गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे हम रिव्यू करने वाले हैं आज हुई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का। काफी कुछ हुआ आज के शो के अंदर, काफी अच्छा भी मुझे आज का शो लगा, तो सभी चीजें डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप एंड तक देखते रहें, लाइक कर दे, जितने ज्यादा लाइक उतना ही होता हमारा फायदा। और चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली कर दे गाइस। बेल को ऑन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंटेंट जो है वीकेंड पे कमाल का आने वाला है। कल रेसलमेनिया रिवाइंड सीरीज वापस आ रही है, तो आप इसके लिए स्टे ट्यून्ड रहें। जो टाइम होगा मैं कम्युनिटी टैब पे आपको अपडेट करके बता दूंगा। तो बात कर लेते हैं आज के स्मैकडाउन की शो की। स्टार्ट होता है डैनियल ब्रायन से, वो रिंग में आते हैं और एक कमाल का प्रोमो यहाँ पे वो कट करते हैं। वो कहते हैं, देखो भाई, मुझसे किसी ने पूछा नहीं था कि ये एज के साथ जो टैग टीम मैच है फास्टलेन में, ये होने वाला है। मेरी किसी ने यहाँ पे परमिशन नहीं ली, ना ही रोमन रेंज ने मुझसे पूछा, ना ही एज ने मुझसे पूछा, और मुझे ये मैच कभी चाहिए ही नहीं था। वो कहते हैं कि बहुत समय से, जब से मैं फादर बना था, मैं उस चीज में बिजी हो गया था और मैं इस चीज पे बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहा था अपने रिंग के अंदर जो मैं कर रहा हूं, और मेरी एम्बिशन जो थी वो खत्म होती चली जा रही थी। लोगों को ऐसा लग रहा था कि डैनियल ब्रायन में कोई भी एम्बिशन नहीं है, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि अब वो वाला डैनियल ब्रायन जा चुका है, नया डैनियल ब्रायन वापस आ गया है, जिसको एक्चुअली टाइटल्स के लिए लड़ना है। और इसी वजह से वो कहते हैं कि मुझे जे उसो को आज हराना पड़ेगा और मैं रोमन रेंज को चैलेंज करूंगा फास्ट लेन में। और वो कहते हैं कि लोग देखना चाहते हैं एटीट्यूड एरा वर्सेज थंडर डोम का ड्रीम मैच, यानी कि एज वर्सेज रोमन रेंज का, लेकिन मैं हर वो चीज करने की कोशिश करूंगा ताकि ये मैच रेसलमेनिया में ना हो सके। और वो कहते हैं कि जब एज ने आके रेसलमेनिया के लोगों को पॉइंट करा, तब मुझे बहुत ही ज्यादा बेकार लगा, मैं अपने आप को एक फेलियर समझ रहा था। तो वो कहते हैं कि इस बिजनेस को मैं इतना ज्यादा प्यार करता हूं, तभी मैं इतनी सारी चीजें करता हूं, और पिछले 3 हफ्तों में जितने मैंने मैच लड़े हैं वो एज और रोमन रेंज के पिछले 3 महीनों के मैच से ज्यादा है। तो ये डेफिनेटली इस चीज को शो भी करता है। रोमन रेंज आ जाते हैं बाहर और वो डैनियल ब्रायन को कहते हैं, देखो भाई, तुम्हारे अंदर कोई एंबिशन नहीं है, मेरे अंदर एंबिशन है, और तुम कह रहे हो कि तुम इस बिजनेस को लव करते हो, तुम प्यार करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ये इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हें इस बिजनेस की जरूरत है। मैं भी इस बिजनेस को प्यार करता हूं, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इस बिजनेस को मेरी जरूरत है, और जितने भी लोग, कैमरामैन, सारा क्रू स्मैकडाउन पे, उसको मेरी जरूरत है। और यहां पे गाइस जे उसो भी आके बोलते हैं कि भाई देखो ब्रायन, तुम्हें रेसलमेनिया मेन इवेंट करने का चस्का तो चढ़ा हुआ है, लेकिन वो तभी होगा अगर आज तुम मुझे हराओगे, और वो मैं होने दूंगा नहीं। और उसके बाद वो एक चीप शॉट के लिए ट्राई करते हैं ऑन डैनियल ब्रायन, लेकिन ब्रायन गाइस यहां पे उनको काउंटर करते हैं और रिंग से उठा के बाहर फेंक देते हैं। तो रोमन रेंज भी यहां पे जे उसो को उसके बाद कन्फ्रंट करते हैं बैकस्टेज और कहते हैं कि देखो भाई, आज तुम मैच हार गए तो मुझे ब्रायन से लड़ना पड़ेगा फास्ट लेन में, जिसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम आज हार गए तो हमारी डिसरिस्पेक्ट तुम करोगे, हमारी फैमिली की डिसरिस्पेक्ट करोगे, तो क्या तुम वो करना चाहते हो? तो डेफिनेटली सोच लो कि तुम्हें आज जीतना कितना जरूरी है। तो ये जो ओपनिंग सेगमेंट थी दोनों की तरफ से गाइस काफी स्ट्रांग थी, बहुत बढ़िया है, प्रोमोस थे। इसके बाद हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला होता है, लेकिन इसको WWE ने 2 सिंगल्स मैच में कन्वर्ट कर दिया। पहला था किंग कॉर्बिन अगेंस्ट मॉन्टेज फोर्ड, जहां पे कॉर्बिन जीत गए एंड ऑफ डेज लगा के। ये उतना भी खास मैच नहीं था। मैच के बाद सैमी ज़ेन जो कि रिंग साइड खड़े होते हैं, कॉर्बिन को कहते हैं, तुम यहीं पर रुक के मेरी मदद करो जैसे मैंने तुम्हारी मदद की, जबकि एक्चुअली में सैमी ने कोई मदद करी नहीं थी। और यहां पे आके बेसिकली उनका मैच होता है एंजेलो डॉकिंस के साथ, और ये गाइस एक काफी ज्यादा अच्छा मैच था, मैं कहना चाहता हूं मजा आया इसको देख के। और सैमी ज़ेन यहां पे हार जाते हैं अचानक से ही, और उनको यकीन नहीं हो रहा होता। और मैच के बाद यहाँ पे वो कन्फ्रंट करते हैं अपने डॉक्यूमेंटेरियन को, और उसी को अटैक कर देते हैं कि आखिर तुम मॉन्टेस फोर्ड को क्यों फिल्म कर रहे थे कैमरे से, तुम्हें तो मैंने हायर भी नहीं करा, तुम हो कौन? और वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन कैमरामैन पे निकाल देते हैं। इसके बाद गाइस बैकस्टेज में देखने को मिलता है कि कार्मेला कन्फ्रंट करती है रेजिनाल्ड को, और वो कहती है कि मैं देख रही हूं किस तरीके से तुम साशा बैंक्स के साथ क्लोज होते जा रहे हो दिन पर दिन। और वो यहाँ पे रेजिनाल्ड को फायर कर देते हैं, उनकी वाइन उठा के फेंकती हैं और कहते हैं, यू आर फायर्ड एंड टाइम इज अप। तो बेसिकली रेजिनाल्ड को यहाँ पे कार्मेला ने हटा दिया है और उनका रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म हो गया। इसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच देखने को मिलता है चैड गेबल के साथ, ओटिस और रे मिस्टीरियो भी यहाँ पे रिंग साइड थे, और ये भी मैं कहना चाहता हूँ गाइज एक ठीक ठाक मैच था, एवरेज से डेफिनेटली बेटर था। और यहाँ पे अचानक से ही आउट ऑफ नोवेयर डोमिनिक को विक्ट्री मिल जाती है, और मैच के बाद यहाँ पे रे मिस्टीरियो अटैक करते हैं ओटिस को, एक कमाल का सेंट ऑन लगाते हैं अनाउंसर्स टेबल के ऊपर, और वो वहां से भाग जाते हैं। तो यहाँ पे मिस्टीरियो फैमिली को भी एक 1-up मिल गया, यानी कि हम कह सकते हैं 1-1 हो चुके हैं सिचुएशन। और डेफिनेटली इस टैग टीम मैच को मैं फास्ट लेन का प्री शो होते हुए देख सकता हूँ, कुछ ज्यादा मुझे शौक लगेगा नहीं। इसके बाद गाइस बैकस्टेज होते हैं सेथ रॉलिंस, वो बात कर रहे होते हैं सिजारो के बारे में, और यहाँ पे आ जाते हैं मर्फी। तो फाइनली हमें मर्फी एक बार फिर से देखने को मिले टीवी पे, और वो सेथ रॉलिंस को कहते हैं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इस सिजारो वाली सिचुएशन में, और रॉलिंस कहते हैं, तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ, जस्ट गेट आउट। और इस बार जो है सेथ रॉलिंस बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहते मर्फी के ऊपर, और वो यहाँ से उनको भगा देते हैं। इसके बाद गाइस मैच होता है बियांका बेलेर का अगेंस्ट शेना बेजलर, क्योंकि ऑब्वियसली ये टैग टीम विमेंस चैंपियनशिप मैच अनाउंस हो गया है अब फास्ट लेन के लिए, जबकि मेरा
उस मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे गाइस रेजिनाल्ड रिंग साइड पे थे और उनकी वजह से साशा बैंक्स जो है वो नाया जैक से टकरा जाती हैं और यहाँ पे ये चीज उनके साथ सही नहीं हुई। और रेजिनाल्ड जबकि यहाँ पे बहुत सारी गलतियां कर रहे थे रिंग साइड, तब भी अपना KOD फिनिशर लगा के बियांका ने शेना को पिन कर दिया। और मैच के बाद साशा बैंक्स भी यहाँ पे कहती है थप्पड़ मार के रेजिनाल्ड को कि मैंने तुम्हें कहा था मेरे बिजनेस में दखल मत दो और क्यों तुम बार बार ये कर रहे हो, जस्ट गेट आउट। तो रेजिनाल्ड का दिन जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं निकला। वो बैक स्टेज जाते हैं अपना अटैची वैची लेके जा रहे होते हैं और वो साशा के गेट पे खटखटाते हैं जाके कि शायद एक बार मैं सॉरी बोल पाऊं, लेकिन साशा उनको कहती है नो। और उसके बाद यहाँ पे रेजिनाल्ड को कन्फ्रंट करती है आके नाया जैक्स और शेना बेजलर। तो शेना बेजलर तो पहले बुली करने की कोशिश करती है रेजिनाल्ड को, लेकिन नाया जैक्स कहते हैं भाई रेजिनाल्ड तो बहुत ज्यादा क्यूट है। तो गाइस जो अगली लव स्टोरी हमें देखने को मिलने वाली है अलिया और मर्फी और उससे पहले बॉबी लैशली और लाना, अब होगी नाया जैक्स और रेजिनाल्ड। सो आर यू रेडी फॉर दिस लव स्टोरी ऑन स्मैकडाउन? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। इसके बाद सिजारो का मैच होता है मर्फी के साथ, एक बार फिर से अच्छा मैच था। तो ओवरऑल जो थी वो रेसलिंग आज स्मैकडाउन पे काफी अच्छी थी। सेथ रॉलिंस यहां पे कमेंट्री के ऊपर बैठे हुए थे और वो काफी खुश हुए देख के कि सिजारो ने मर्फी को हरा दिया। उनको कोई दुख नहीं हो रहा था क्योंकि ऑब्वियसली अब मर्फी उनसे रिलेटेड नहीं है। तो सिजारो और रॉलिंस की फ्यूड अभी भी आगे बढ़ रही है और इनका मैच क्या फास्ट लेन में होगा या फिर रेसलमेनिया तक रुकेगी WWE, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके बाद गाइस अपोलो क्रूज आ जाते हैं रिंग में और उनके साथ दो नाइजीरियन गार्ड्स हैं और वो कहते हैं ये कोई फेक अपोलो क्रूज नहीं है, ये एक रियल अपोलो क्रूज है। और यहाँ पे वो पूरी अपनी हिस्ट्री बताते हैं कि किस तरीके से नाइजीरिया से वो आए हैं। वो एक्सेंट में भी बोल रहे हैं और कहते हैं ये मेरी एक्चुअल एक्सेंट है। और यहाँ पे वो सारी बातें करते हैं कि किस तरीके से उनका बचपन गुजरा और उसके बाद नाइजीरिया की वजह से उनको यहाँ पे काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करनी पड़ी। और वो बिग ई को भी सेम चीज से कंपेयर करते हैं कि वैसे ही अब बिग ई मेरे साथ करता है, लेकिन वो कहते हैं मैं इस बात से खुश हूं कि अगले हफ्ते बिग ई वापस आ जाएगा और मुझे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का एक रीमैच चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अपोलो क्रूज का गिमिक थोड़ा बढ़िया है। अब कहां तक WWE इसको लेके जा पाएगी, कितना इंटरेस्टिंग बना पाएगी, वो देखना भी बाकी है। लेकिन यहां पे उन्होंने गाइस डिमांड कर दिया एक रीमैच के लिए और नेक्स्ट वीक जब बिग ई वापस आएंगे तो पता लगेगा कि आखिर वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि बेली बैठी हुई है बैक स्टेज और वो डिंग डोंग हेलो का शो कर रही है इस बार बैक स्टेज ही। और यहाँ पे वो कहते हैं कि बहुत लोग अपने शोज में मीन ट्वीट्स पढ़ते हैं लेकिन मेरे बारे में तो कोई कुछ बुरा बोलता नहीं है, तो हम स्वीट ट्वीट्स पढ़ेंगे। और यहाँ पे वो दो ट्वीट्स पढ़ती हैं जो कि उनकी तारीफ होती है। तीसरी ट्वीट देखते हैं उनको पता लग जाता है भाई ये तो कोई मेरी बुराई है और वो वहां से चली जाती है। तो ये इस सेगमेंट का पार्ट था। और फाइनली गाइज मेन इवेंट में स्टील केज मैच जे उसो अगेंस्ट डैनियल ब्रायन। मैच से पहले ही डैनियल ब्रायन बैकस्टेज उसो को अटैक कर देते हैं और ये मैच भी हमें बहुत ही ज्यादा कमाल का देखने को मिला। रोमन रेंस चेयर लगा के रिंग साइड पे बैठे हुए थे, पूरा मैच देख रहे थे एंड दिस वाज एन आउटस्टैंडिंग मेन इवेंट। मतलब स्मैकडाउन ने आज रेसलिंग वाइज बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से डिलीवर करा है और मैं कहना चाहता हूँ कि इसी तरीके से मैं शो देखना चाहता हूँ जो फ्लो करे, और आज का शो डेफिनेटली गाइज मेरे लिए फ्लो करा। और यहाँ पे डैनियल ब्रायन जीत चुके हैं जे उसो को हरा के आफ्टर अ वेरी वेरी गुड मैच। वो टैप आउट कर देते हैं, यस लॉक पे रोप ब्रेक होती नहीं है, इसकी वजह से जे उसो को मदद नहीं मिल पाती और रोमन रेंस काफी डिसअपॉइंटेड लग रहे थे कि जे उसो इस मैच को हार गए। और ऑफिशियल भी कर दिया गया है कि फास्ट लेन के अंदर डैनियल ब्रायन लड़ेंगे रोमन रेंस के साथ फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो भाई अब क्या होगा यूनिवर्सल टाइटल के लिए, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चांस नहीं है रोमन रेंस हारेंगे फास्ट लेन के अंदर और ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो एज वर्सेस रोमन रेंस का मैच आई डोंट थिंक किसी भी मतलब प्रॉब्लम में है, या फिर अगर आप लोग सोच रहे हैं कि वो मैच शायद नहीं होगा अब, तो ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि रोमन रेंस वर्सेस एज विल हैपन एट रेसलमेनिया। अब डैनियल ब्रायन किस तरीके से हारेंगे फास्ट लेन में वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, पर बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं ब्रायन को हराने के, स्पेशली रोमन रेंस के इस कैरेक्टर से। तो गाइस ये था आज का स्मैकडाउन का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें और अपने ओपिनियन मुझे नीचे कॉमेंट्स में दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।